राधे राधे क्यों बोला जाता है, आइए जानते इस वीडियो के द्वारा। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा, अच्छा तुम बताओ, अगर मैं कृष्ण ना होकर कोई वृक्ष होता तो तब तुम क्या करती? श्री राधे ने कहा, तब मैं लता बनकर तुम्हारे चारों ओर लिपटती रहती। फिर श्री कृष्ण ने मधुर मुस्कान देकर कहा, और अगर मैं यमुना नदी होता तो? तो श्री राधे ने उत्तर दिया, तब मैं लहर बनकर तुम्हारे साथ साथ बहती रहती। हे श्याम सुंदर, कृष्ण निकट घास चरती एक गौ की ओर संकेत करके बोले, अच्छा यदि मैं उसकी तरह गौ होता तो तुम क्या करती? श्री राधा कान्हा जी के गाल खींचती हुई बोली, मैं तो घंटी बनकर आपके गले में घूमती रहती प्राणनाथ, परंतु आपका कभी पीछा नहीं छोड़ती। फिर अगले कुछ पलों तक वहां शांति छाई रही, केवल यमुना की लहरें और मोर की आवाजें सुनाई दे रही थी। श्री राधा ने चुप्पी तोड़ते हुए कान्हा जी से पूछा, आप मुझसे कितना प्रेम करते हो मेरे प्राणनाथ? मेरा तात्पर्य है कि यदि हमारे प्रेम का अमर करने के लिए कोई वचन देना हो तो आप क्या वचन देंगे? कृष्ण ने राधे के कर कमलों को स्पर्श करते हुए कहा, मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूँ राधे, कि जो भी भक्त तुम्हें स्मरण करके राज शब्द बोलेगा, उसी पल में उसे अपनी अविरल भक्ति प्रदान कर दूंगा और पूरा राधे बोलते मैं स्वयं उसके पीछे पीछे चल दूंगा। श्री राधे ने अपने नैनों में प्रेम के अश्रु भरकर कहा, और मैं आज वचन देती हूँ मेरे कान्हा, मेरे भक्त को कुछ बोलने की भी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जहाँ भी जिस किसी के हृदय में आपके लिए आपके नाम के प्रति सच्चा प्रेम होगा, मैं स्वयं जबरन आपको लेकर उसके पीछे पीछे चल दूंगी। बोले राधे राधे।